नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नो व्हील्स में। और यहाँ पे हम लेके आए हैं आज आपके लिए खूब सारी न्यूज़, तो आशा करूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है स्कल कैंडी कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया नया ट्रूली वायरलेस ईयरबड को। यह है शेष, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने में लगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, सिक्योर फिट मिल जाता है, यानी आपको रिमूवेबल स्टेबिलिटी ईयर जेल मिल जाएंगे, तो इजिली फिट हो जाएंगे और बार बार आपको ये चिंता मालने की जरूरत नहीं कि ये गिर जाएगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको अप टू 10 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको IP55 मिलता है, यानी स्वेट वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट ये मिलेगा। चार्जिंग केस मिलेगा, माइक्रोफोन कॉल ट्रैक वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, एक्टिवेट असिस्टेंट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये 3 कलर में मिलेगा। एक है ब्लैक, दूसरा है डीप रेड, और तीसरा है इंडिगो कलर। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है, और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 5,999। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप ये स्कल कैंडी के नए ट्रूली वायरलेस ईयरबड को लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने चुपचाप से अनवील कर दिया है गैलेक्सी A20s को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने में लगा। साथ ही साथ आप फीचर भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको 3 कैमरा मिल रहा है। मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, फिर अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट में आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.5 इंच की HD+ इंफिनिटी वी डिस्प्ले मिल रही है, 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल रहा है, बैक में फेस रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, 3GB, 32GB, 4GB और 64GB स्टोरेज में आपको ये देखने मिलेगा। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ आपको ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, क्या रखी जाती है इसकी प्राइसिंग, और क्या प्राइसिंग के हिसाब से ये वर्थ रखता है परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको ये फीचर पसंद आए कि नहीं आए, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट बोलती है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 फ्लैगशिप चिपसेट हो सकता है आज लॉन्च, यानी 24 सितंबर को ये लॉन्च हो सकता है। तो अब वेट करते हैं, देखते क्या होता है, क्या क्वालकॉम नए चिपसेट को लॉन्च करता है, अगर लॉन्च करता है तो क्या होते हैं ओवरऑल फीचर, और वो कौन सा स्मार्टफोन होता है जो इसके साथ आता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको उम्मीद है इस नए चिपसेट से, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये आसूस कंपनी की तरफ से, और इन्होंने इंडिया में फाइनली अनवील कर दिया है रॉग फोन 2 को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये देखने मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर वाइज तो सब जानते ही थे, परंतु बात थी कि इंडिया में क्या होगी इसकी प्राइसिंग। तो यहाँ पे आपको 2 वेरियंट में मिलेगा, एक है 8GB RAM 128GB जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 37,999, और दूसरा वेरियंट है यहाँ पे 12GB RAM 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला। यहाँ पे बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 59,999। तो 8GB RAM वेरिएंट बहुत ही गजब प्राइसिंग में है, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 30 सितंबर से। और यहाँ पर आप जानते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियंस डे सेल भी आ रही है, तो उसके तहत और ऑफर भी आपको मिल जाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप आसूस रॉग फोन 2 को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया नया अपडेट, और ये देखने मिल जाएगा आपको गैलेक्सी S10, S10 प्लस और S10e के लिए। यहाँ पे बात करें इसके अंदर क्या मिल रहा है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा अब लाइव फोकस वीडियो के लिए, यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाएगा सेल्फी के लिए, यहाँ पर आपको लिंक टू विंडोज मिल जाएगा, यहाँ आपको डेस्क मिल जाएगा PC सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी पहले से बेहतर देखने मिलेगा। अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको ये अपडेट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एक नए सोशल वीडियो ऐप से, और ये है फायरवॉक, ये सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पे ये इंडिया में आ चुके हैं। यहाँ पे बात करें क्या देखने मिलेगा फायरवॉक के अंदर, तो वही शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देखते हैं चाइनीज का टिकटॉक और ये सारी चीजें, तो कुछ उस प्रकार से मिलेगा, परंतु फायरवॉक उनसे ज्यादा अच्छा है और ज्यादा आपको बेहतर मिलता है। साथ ही साथ ये चाइनीज कंपनी भी नहीं है। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप फायरवॉक को यूज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये HMD ग्लोबल के नोकिया 2.1 से और यहाँ पर आ चुका है सितंबर का सिक्योरिटी पैच, और ये आपको 2019 वाला ही देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें ओटो की, तो यहाँ पे आपका मोबाइल जो है पहले से सिक्योर हो चुका है और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा देखने मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे सेप्टेम्बर के एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो यार ये एक लीक से, और ये लीक बोलती है कि महिंद्रा यहाँ लेके आने वाला है XUV 300 के अंदर 7 सीटर वेरिएंट, और ये हो सकता है कि 2021 तक आपको देखने को मिले। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो अभी ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है, किस प्रकार से 7 सीटर आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और क्या रखी जाती है प्राइसिंग। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप XUV 300 को 7 सीटर में लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने फिर से टीज कर दिया है एस्प्रेसो को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे लिखा है, लिखा हुआ है एस्प्रेसो, और यहाँ पे दूसरा फोटो सामने आया जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लासेस के अंदर एस्प्रेसो का रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे आप जानते ही हैं किस प्रकार से एस्प्रेसो देखने मिलेगी। अब यहाँ पे बात यही है कि क्या होती है इसकी प्राइसिंग, कितने ट्रिप में देखने मिलती है और क्या ये वर्थ रखती है परचेस करना। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है रेनॉल्ट किड फैसिलिट से, और ये दिखी है बिना किसी कैमोफ्लाज के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट लुक देखने मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LED DRL ऊपर देखने मिल रहा है, वहीं नीचे की तरफ आपको हेडलैम्प देखने मिल रहा है, और यहाँ पर आपको देखने मिल रही है 3 स्लेट ग्रिल में, और क्रोम स्ट्रिप्स आपको यहाँ देखने मिल रही है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं गन मेटल ग्रे में, यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल रही है, और यहाँ पर आपको बॉडी क्लैडिंग देखने मिल रही है। बैक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ सी शेप LED TL लैंप्स मिल रहे हैं, फॉक्स स्किड प्लेट यहाँ पे भी आपको देखने मिल रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लाइंबर ट्रिम है, और ऑरेंज एसेंट्स आपको फ्रंट और रेयर में देखने मिल रहा है, हेडलैम्प सराउंड में भी देखने मिल रहा है, और ऑरेंज ORVMs भी आपको यहाँ मिल रहे हैं। बात करें और चीजों की, तो बोला जा रहा है कि इनसाइड भी आपको बिल्कुल नया देखने मिलेगा, 8 इंच की आपको यहाँ टच स्क्रीन मिल सकती है इंफोटेनमेंट की, और यहाँ पे और चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, तो ओवरऑल लुक वाइज ये अच्छी लग रही है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये रेनॉल्ट क्विड फैसिलिट पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की, तो ये आ रही है महिंद्रा XUV 300 से, और यहाँ पे इन्होंने चुपचाप से W6 ट्रिम के अंदर अनवील कर दिया है AMT वेरिएंट को। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है, और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 9.99 लाख, तो बहुत ही सस्ती में आपको AMT मिल रहा है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप W6 ट्रिम लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसे लगा आज का डेली डोज, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।